हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेसन वी स्टडीड अबाउट द क्वालिटी। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके स्टूडेंट, ओपन पेज नंबर 74 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आई कैन नॉट फॉरगेट द डे ऑन विच आई हैड ओकेजन टू से टू हिम मिस्टर जेसलर दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स कैक्ट यू नो। ठीक है कि आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे, मतलब मैं उस दिन को नहीं भूल सकता जिस दिन मैंने ओकेजनली, मतलब एक अवसर मुझे मिला टू से हिम, उसको उनको कहने का, मिस्टर जेसलर दैट लास्ट पेयर, मतलब जो आपका जो लास्ट पेयर ऑफ शूज आपने जो दिया था उसमें क्रैक्ड, मतलब उसमें चरमराहट की आवाज़ आ रही है, यानी स्क्रैकिंग साउंड आ रही है। ठीक है, ही लुक एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग, तो वो मुझे तब से देख रहे हैं, मतलब जब से मैंने रिप्लाई किया, एंड इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विदड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट, और मतलब इस उससे देख रहे हैं कि क्या कि वो अपन, मतलब जो मैंने जो स्टेटमेंट कहा है उसको मैं या तो वापस ले लूँ या फिर उसको थोड़ा चेंज करके कहूँ। देन सेड तब इट स्टूडेंट एव ग्रेट, इसका मतलब है इट स्टूडेंट हैव ग्रेट, यानी वो उसमें मतलब वो चरमराहट की आवाज़ नहीं आ सकती। इट डिड आई एम अफ्रेड, तो वो बोलता कि नहीं कि इट डिड, मतलब ये ऐसा कर रहे हैं, उसमें चरमराहट की आवाज़ आ रही है। यू गॉट डैम वेट बिफोर डे फाउंड देमसेल्फ, तो यू गॉट डैम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्फ, तो वो कहता कि शायद आपने इनको गीला ही पहन लिया होगा। ठीक है, आई डोंट थिंक सो, तो जो राइटर बोलते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता है या मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। एट दैट ही लॉर्ड हिज आइज एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स। ठीक है, तो एट दैट ही लॉर्ड, तो उसी समय क्या किया उन्होंने, जो अपनी आंखें नीचे कर ली और ऐसा लग रहा था जैसे मतलब वो जिस समय उन्होंने उस सूज को बनाया हो तो उसकी उसको याद करने लगे। ठीक है, हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स। आई फेल्ट सॉरी आई हैड मेंशन दिस ग्रेव थिंग्स, तो मुझे अपने आप में मतलब सॉरी हो रहा था कि मैंने ये जो चीज़ है, मतलब बुरी चीज़ ग्रेव थिंग्स की है जो मेंशन किया है तो बुरा किया है। जेन दम बैक ही सेड आई विल लुक एट दैम, तो वो कहते हैं कि सेंड दम बैक आई विल लुक एट दैम, कि आप उन्हें यहाँ भेज देना, मैं उनको देख लूँगा। जॉम बूट्स ही कंटिन्यूड स्लोली आर बैड फ्रॉम बर्थ, इफ आई कैन डू नथिंग विद डैम आई टेक दैम ऑफ योर बिल, तो इसका मतलब है सेंड सम बूट्स आर बैड फ्रॉम बर्थ, यानी कुछ जो जूते हैं वो बर्थ से ही, मतलब जब उनको बनाते हैं तब से वो ख़राब होते हैं। इफ़ आई कैन डू नथिंग विद दैम, अगर मतलब मैं उनको सही नहीं कर पाया, ठीक है, आई टेक दैम ऑफ यूर बिल, तो मैं आपका जो बिल है उन्हें वापस कर, यानी जो आपने जो पैसे दिए उनको मैं वापस कर दूँगा। वंस ओनली आई वेंट अपसेंट माइंडेडली इन टू हिज शॉप इन अ पेयर ऑफ बूट्स ब्रॉट इन ए एमरजेंसी एट सम लार्ज फॉर्म, तो वंस ओनली वंस, यानी एक बार केवल एक बार आई वेंट अपसेंट, मतलब मैं उनके यहाँ गया अपसेंट माइंडेडली, यानी ध्यान कहीं और लगा हुआ था और मतलब ऐसे ही चला गया उनके दुकान पे, और जो उसने जूते पहने थे वो कहाँ से लिए थे उसने, एक एमरजेंसी में कहाँ से लिए थे, एक लार्ज फॉर्म यानी बड़ी जो फॉर्म है उससे ली थी, और वो उनको पहन के ही मतलब उनकी शॉप में चला गया। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर, तो उन्होंने मेरा जो नाप है, ठीक है, वो बिना मेरे लेदर को देखे ही उन्होंने ले लिया। आई कुड फील हिज आई पेंट्रेटिंग द इन्फ्रेयर कवरिंग ऑफ माई फुट्स, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जो उनकी आँखें हैं वो पेंट्रेटिंग मैंने अंदर तक मतलब देख पा रही थी, जो इनफेयर कवरिंग मैंने जो कम क्वालिटी की जो मटेरियल उस पर लगा था, ठीक है, जो जिसने मेरे जूतों को कवर किया हुआ था, यानी उस जूते का जो मटेरियल था उसको वो देख रहे थे। एट लास्ट ही सेड, तो अंत में उन्होंने कहा दोज आर नॉट माई बूट्स, यानी वो मेरे जूते नहीं है, ये जो आपने पहने वो मेरे दुकान के जूते नहीं है। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर नॉर ऑफ सोर नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, बट देयर वॉजेंट इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, तो द टोन वॉज, मतलब जो उनकी जो बोलने की लहजा था उसमें ना तो गुस्सा था, ना तो दुख था, और ना था कंटेम्प्ट, यानी कोई तिरस्कार नहीं था। बट देयर वॉजेंट समथिंग क्वाइट, लेकिन कुछ ऐसा था दैट फ्रोज द ब्लड, मतलब जिसने उसको मतलब थोड़ा क्या है गतिहीन कर दिया, यानी उसको किसी ने जकड़ लिया। ठीक है, ही पुट इज हैंड डाउन, उन्होंने अपने जो हैंड वो नीचे किए, एंड प्रेस अ फिंगर ऑन द प्लेस, और उन्होंने मैंने अपनी उंगलियों को मतलब जूते पे एक स्थान पर
प्रेस किया वेयर द लेफ्ट फुट वॉज नॉट क्वाइट कम्फर्टेबल, जहाँ पे मतलब जो लेफ्ट शूज है जो मुझे कम्फर्टेबल फील नहीं हो रहा था वहाँ पे उन्होंने अपनी उंगलियों से प्रेस किया। इट अर्ट यू डेयर ही सेड, डोज बिग बम्प्स वॉम्प्स, ठीक है, मतलब उस एक्सीडेंट में उसका एक्सीडेंट थोड़ा ऐसी था ना, एब नो सेल्फिस्ट एंड देन एफ इफ समथिंग हैड गिवन अवे विद हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली। तो इफ हर्ट्स यू दियर, मतलब बोलता है इट अर्ट्स यू दियर, मतलब ये आपको यहाँ पे हर्ट्स कर रहा है तो डोज बिग फॉर्म्स होते हैं हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब वहाँ पे कोई आत्मसम्मान नहीं होता है, ठीक है, या सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और फिर उसके बाद मतलब उनके साथ ऐसा हुआ जैसे कि उसके कुछ मतलब अंदर से उनका जो कुछ टूट गया हुआ है, अंदर से वो दुखी थे, तो ही स्पोक लॉन्ग, उन्होंने लंबा बहुत लंबे समय तक बोला एंड बिटरली, बिटरली मतलब एक बहुत दुख भरे उसमें उन्होंने बोला, जैसे उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा हो। इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशन, तो मतलब पहली बार मैंने उन्हें सुना था कि वो कंडीशन के बारे में, स्थिति के बारे में बातें कर रही हैं एंड हार्डशिप ऑफ ए ट्रेड, और जो कठिनाई उनको जो व्यवसाय में हो रही है उसके बारे में पहली बार मैंने उनको बात करते हुए सुना। डे गेट इट ऑल ही सेड, दे गेट इट बाई एडवर्टाइजमेंट नॉट बाई वर्क, दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लोफ और बूट्स, इट गोम्स टू डिस ब्रेसेंटली आई हैव नो वर्क, एवरी ईयर इट गेट्स लेस यू विल सी। तो उसका मतलब है कि दे गेट इट ऑल, मतलब वो इसे प्राप्त कर लेते हैं, दे गेट इट बाई एडवर्टाइजमेंट, मतलब इसे विज्ञापन से वो प्राप्त कर लेते हैं, नॉट बाई वर्क, काम से नहीं। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, यानी वो हमसे दूर ले जा रहे हैं, हु लव अवर बूट्स, जो हमारे यानी जो ग्राहक हमारे शूज़ को पसंद करते हैं। इट कम टू दिस प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क, और मतलब ये यहाँ पे पहुँच गया है कि वर्तमान में मेरे पास कोई काम नहीं है। एवरी ईयर इट गेट्स लेस, और एवरी ईयर क्या हो रहा है, मतलब ये क्या है, कम हो रहा है, जो लोगों का जो मेरे शूज के प्रति जो मतलब आकर्षण है वो कम हो रहा है। एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस आई शॉ थिंग आई हैड नेवर नोटिस बिफोर, तो उनके जो लाइन फेस पे जब मैं देख रहा था तो मैंने मतलब इससे पहले ऐसी चीज़ें नोटिस नहीं की हैं। बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल, यानी बिटर थिंग मैंने जो क्या है बुरी वस्तुएं और बेटर संघर्ष, यानी जो कठिन संघर्ष जो वो कर रहे थे। एंड व्हाट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स दिस देयर सीम्ड सडनली इन हिज रेड बियर्ड, और अचानक से मुझे उनकी जो रेड बियर्ड मतलब जो पहले लाल रंग की लगती थी उसमें मुझे कुछ ग्रे मतलब सफ़ेद रंग के बाल दिखाई दिए। एज बेस्ट आई कुड आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंस ऑफ दोज इल ओमेंड बूट्स, तो एज बेस्ट आई कुड, मतलब जितना मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ उन सर्कमस्टेंस में जो स्थिति है दोज इल ओमेंड बूट, यानी जो बुरे जो बूट थे उनके बारे में। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड नो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स, बट हिज फेस एंड वॉइस, लेकिन जो उनके चेहरे और उनकी जो आवाज़ थी उसने मुझे मतलब उसमें मुझे काफ़ी प्रभावित किया, यानी मुझे ठीक है। और दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट, और कुछ ही मिनट में मैं आई ऑर्डर मैनी पेयर्स, मैंने काफ़ी जूतों के मतलब क्या ऑर्डर कर दिए। तो उसकी जो जो चेहरे का जो हाव भाव था और जो इम्प्रेशन था उसकी आवाज़ का, ठीक है, उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ और मैंने क्या है कई जूतों के जो वो है पेयर मैंने ऑर्डर कर दिए। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, तो मतलब काफ़ी समय तक चले। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली टू ईयर्स, और लगभग दो साल तक मैं मतलब उनके पास नहीं जा सका। इट वॉज मैनी मंथ बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप, तो मतलब काफ़ी टाइम हो गया था जब मैंने पहले जो मतलब उनके शूज़ में गया था उसके काफ़ी समय बाद में वहाँ गया। दिस टाइम ही अपेयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडिंग ए पीस ऑफ लेदर, दिस टाइम ही अपेयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर, उस समय वो अपने एल्डर ब्रदर के साथ आए, ठीक है, और हैंडिंग ए पीस ऑफ लेदर, और उन्होंने क्या कर रखा था मतलब एक लेदर का टुकड़ा पकड़ा हुआ था। वेल मिस्टर जेसलर आई सेड हाउ आर यू, तो ठीक है मिस्टर जेसलर, मैंने कहा हाउ आर यू, आप कैसे हैं। ही केम क्लोज, वो नज़दीक आए एंड पियर्ड एट मी, और मतलब उन्होंने ध्यान से देखा। आई एम प्रीटी वेल, यानी आई एम प्रीटी वेल, मैं बहुत अच्छा हूँ। ही सेड स्लोली, उसने धीरे से कहा, बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड, लेकिन जो मेरा एल्डर ब्रदर है वो मर चुका है। एंड आई शॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ इज एंड वॉन, तो मैं आई शॉ इट वॉज, मैंने देखा कि वास्तविक रूप में वो कितने मतलब एजेड, मतलब उनकी काफ़ी वो क्या बूढ़े हो चुके हैं और वॉन मैंने कमज़ोर हो चुके हैं। एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मैंसन हिज ब्रदर, और कभी मतलब मैंने उन्हें अपने भाई के बारे में बात करते हुए नहीं सुना। मच शॉक्ड, मतलब मैं काफ़ी शॉक्ड हो गया। आई मर्मर्ड, मतलब मैं बुदबुदाया या मैंने धीरे से बोला, ओ आई एम सॉरी, मुझे खेद है।
यस ही आंसर्ड ही वॉज ए गुड मैन ही मेड ए गुड बोर्ड. तो उसने कहा हाँ उसने आंसर दिया ही वॉज ए गुड मैन मतलब अच्छा आदमी था. ही मेड ए गुड बोर्ड मतलब वो अच्छे सूज बनाता था. बट ही इज डेड लेकिन वो मर चुका है. एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड और उसने अपने जो सर के मतलब टॉप में उसने टच किया. वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन आउट दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर और मतलब उसके वहाँ से मतलब बाल ऐसे चले गए थे जैसे कि उसके भाई हो. तो मतलब वो संकेत कर रहा था कि किस प्रकार से मतलब जैसे उसके भाई के थे वैसी. टू इंडिकेट आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ मतलब इंडिकेट कर रहा था कि मतलब किस प्रकार से उसके भाई की जो डेथ हुई. डू यू वॉन्ट एनी बूट्स डू यू वॉन्ट एनी बूट्स मतलब आप को कोई मतलब बूट चाहिए. एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड और उसने अपना जो लेदर अपने हाथ में पकड़ा. इट्स ब्यूटीफुल पीस तो ये क्या इट्स ए ब्यूटीफुल पीस यानी एक शानदार पीस है. ठीक है तो आई होप कि बेटा आपको ये समझ में आया होगा और आई होप कि आप इस वीडियो को बहुत केयरफुली वॉच करेंगे. ठीक है तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगा. ओके बाय एंड टेक केयर.